नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज हेल्थ फर्स्ट में हम बेहद ही अहम बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, जिसे लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन वो कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है और इससे कैसे उभरा जाए, इसी पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन मौजूद हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि डिप्रेशन है क्या? देखिए, डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने एक इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया है। डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो डिप्रेशन यानी अवसाद, मन का उदास होना। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो मन किसी भी व्यक्ति का क्षणिक रूप से उदास हो सकता है। आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है या कोई ऐसी घटना होती है जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रॉमेटाइज फील करते हैं, आप उदास हो सकते हैं। डिप्रेशन से ग्रसित हम व्यक्ति को जब मानते हैं जब ये जो उदासी है उसकी वो लंबे समय तक रहे, जिसमें हम कम से कम 2 वीक का समय मानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस समय से ज़्यादा अवधि तक उदास रहता है, उसका किसी कामकाज में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसकी जिन कामों में पहले बहुत ज़्यादा रुचि थी उन कामों में उसकी रुचि खत्म हो जाती है, उसको भूख लगना बंद हो जाती है या भूख ज़्यादा लगने लगती है, उसकी नींद में परिवर्तन आ जाता है, प्रॉपरली वो सो नहीं पाता, या वो किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में घबराता है, उसको निर्णय लेने में डर लगता है कि मैं ये लूँगा कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। और कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति में हीन भावना आती है और हीन भावना के चलते हुए वो कई बार आत्मग्लानी में इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो सुसाइड जैसा कदम भी उठा सकता है। बिल्कुल, सुसाइड जैसे कदम। और इसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सुसाइड के केसेस इतने आते हैं कि वो समझ ही नहीं आ पाता कि आखिर ये स्टेप इस बंदे ने या इस व्यक्ति ने क्यों उठाया। निश्चित रूप। लेकिन अगर देश की या विश्व की बात करें, डिप्रेशन की स्थिति क्या है, इसका रेशियो क्या है, कितने लोगों में हम देखें कि इतने परसेंट डिप्रेस्ड होते हैं? निश्चित, अगर मैं हमारे देश की बात करूं, भारत की, तो अभी एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था 2016 में, जिसमें लगभग 20 में से एक व्यक्ति यानी 5% लोग अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार हुए वो होते हैं। ओवरऑल इसका प्रिवेलेंस अलग अलग जगह अलग अलग होता है, 5 से 17% तक इसका प्रिवेलेंस है, लेकिन अगर हम हमारी बात करते हैं तो लगभग 20 में से एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी अवसाद का शिकार होता है। समझे कैसे इसे, जैसे आपने बताया कि क्या है लक्षण इसके, लेकिन दूसरी बीमारियां होती तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं उसका चेकअप के लिए, या दर्द है या कुछ है टेस्ट करा लें हम। लेकिन डिप्रेशन, कई ऐसे केसेस हमने देखे कि सालों साल लोगों को पता नहीं चलता कि हम इतने साल से डिप्रेशन में हैं या हमारे घर का ये सदस्य डिप्रेशन में है, इसे समझा कैसे जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय है जानने का वो यही है। आप देखिएगा, आज भी बहुत से लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन या तो वो उस बीमारी को खुद एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके जो परिवारजन हैं वो उस बीमारी को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति जो है ये अवसाद से ग्रसित है। तो इसमें जैसा मैंने आपको इसके लक्षण बताए थे, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो नियमित रूप से काम कर रहा था, सबसे बड़ा खुश मिजाज है, मिलजुल के रहता था आराम से, आप देखते हैं उसके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आता है, वो लोगों से कटा कटा रहने लग जाता है, उसका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ संवाद है वो कम हो जाता है, उसकी बातों में नकारात्मकता ज़्यादा आ जाती है, वो हर बात को कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, उसकी भूख में परिवर्तन आ जाता है, उसका खाना कम हो जाता है, उसकी नींद में परिवर्तन आ जाता है, वो जल्दी उठने लग जाएगा या उसको सोने में परेशानी आएगी। कई बार हम देखते हैं इस तरह के व्यक्ति नशे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, वो अल्कोहल का अब्यूज़ शुरू कर देंगे या दूसरा कोई नशा शुरू कर देंगे, थका हुआ रहेगा, आप उसे किसी भी काम की कहेंगे तो वो काम में इंटरेस्ट लेने से उसका आपको इंटरेस्ट शो नहीं होगा, वो दूर भागेगा काम से। तो ये कुछ ऐसे उसके व्यवहार में परिवर्तन हैं। डिप्रेशन में भी ऐसा नहीं है कि आज किसी व्यक्ति में उदासी है तो वो इस हद तक उदासी है कि उसको हमको तुरंत बहुत कुछ उसमें करने की ज़रूरत है। इसमें अगर व्यक्ति इतना उदास है कि वो अपनी खुद की जो उसकी पारिवारिक ज़िंदगी है वो उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, उसका जो सामाजिक परिवेश है वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो रहा है, या उसकी जो जो जहाँ वो काम करता है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें इमीडिएट जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महसूस हो, खुद में ही कर रहा है, अगर मैं ही खुद में महसूस करूं कि मुझे डिप्रेशन सा लग रहा है या मेरा कुछ तो दिक्कत हो रही, नॉर्मल नहीं हूं, करना क्या चाहिए? खुद में भी हम कुछ कर सकते हैं या फिर सबसे पहले हमें कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन में एक अच्छी जो बात है वो यही है कि डिप्रेशन जब व्यक्ति को होता है तो उसको इस चीज़ का एहसास होता है, उसमें इनसाइट होता है कि उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो ऐसे व्यक्ति को इस चीज़ को समझना चाहिए, उसको अपने जो परिजन हैं या उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर, उनके साथ उसको कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप संवाद स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो आपके मन में कुछ ऐसे विचार,
जिनका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपको समझना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन बनाए रखें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। आपकी जो डेली दिनचर्या है वो आप उस दिनचर्या को बना के रखें। जिन कामों में आपका इंटरेस्ट था उन कामों को छोड़े नहीं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें कम हो गया, मेरा इच्छा नहीं करी, बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जिन कामों में रुचि थी उनको बना के रखें। आप नियमित जो आप व्यायाम करते थे, जो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स थी उनको प्रॉपर रखें, अपनी डाइट को आप प्रॉपर रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नशे से आप दूर रहें। क्योंकि जो शराब का नशा है और अन्य ड्रग्स का जो नशा है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई अपन थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे तो अपनी जो एंग्जाइटी है या जो अपनी परेशानियाँ हैं उसको अपन भूल सकते हैं, जबकि होता इसका विपरीत है। नशा जो है वो हमेशा आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन को बढ़ावा देता है, और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो निश्चित रूप से आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए। अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की कि कम्युनिकेशन आपको लगता है कि अभी जो इतना ग्राफ या इतना ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह एक कम्युनिकेशन गैप भी है। क्योंकि ठीक है पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन एक ही परिवार में अगर चार सदस्य चारों अलग अलग अपने फ़ोन पर बिजी हैं, बातचीत ऐसे बैठ के नहीं हो पाती जैसे पहले होती थी, तो शेयरिंग नहीं होती है, क्या एक रीज़न ये भी माने? बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप देखिएगा जो पहले की फैमिली, जब पहले का हमारा सोशल मैट्रिक्स था, अब उसमें जो बेसिक डिफरेंस आया है वो यही आया है। पहले हम लोग जब बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे अपनी आधी परेशानियां तो खेल कूद के आपस में ही निपटा लिया करते थे, पेरेंट्स तक उनकी बात ही नहीं आती थी, एक दूसरे के इमोशंस को समझते थे, खेलते थे कूदते थे, इमोशन शेयर होते थे, माँ बाप के साथ भी उनके अच्छे कम्युनिकेशंस होते थे। जब से ये वर्चुअल वर्ल्ड आया है, बच्चा अपने मोबाइल में व्यस्त है, माँ बाप अपने काम में व्यस्त है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो जब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप देखिए जब तक अपने आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन से मतलब केवल आपका बोलना नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, कई बार बच्चा मदर फादर से बात करता है वो नॉर्मल दिखने कितनी भी कोशिश करे, आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं जो आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन में हो जाते हैं, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में आप जिएंगे तो आप खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि आपके पास शेयरिंग करने वाला कोई है नहीं। इसी के चलते हुए व्यक्ति कई बार नशे की तरफ भी अग्रसर हो जाता है। तो निश्चित रूप से साथ रहना, आपस में कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेशन, ये मोबाइल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन है फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़। डिप्रेशन की हम बात करते हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अगर वो डिप्रेस है, डिप्रेशन में है, वो आत्महत्या भी कर सकता है? देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब अगर व्यक्ति में इस हद तक अगर वो हताश हो जाता है या निराश हो जाता है, उसमें हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा आती है, होपलेसनेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसको लगता है कि अब जीने का कोई मायना नहीं रहा है, हर चीज़ में उसमें नकारात्मकता इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, खुद को वो नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, और उसको लगता है कि उसको आने वाला जो फ्यूचर है वो भी बिल्कुल नकारात्मक होने वाला, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो सकता है। और अगर मैं आत्महत्या की बात करूं तो विश्व में लगभग प्रति वर्ष 8 लाख से ज़्यादा सुसाइड होती हैं, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो युवा पीढ़ी है 15 साल से लेकर के जो 29 ईयर्स तक की एज है, उनमें सुसाइड इज़ द सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो सुसाइड जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। और आजकल जिस तरह से आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि एक एज तक ही बात करें, बच्चों के भी सुसाइड करने के मामले सामने आते हैं, 9 साल का है, 8 साल का बच्चा है, इसे कैसे देखेंगे आप? इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि बच्चा है वो ज़्यादा क्या समझेगा, अगर ठीक है हम जॉब कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं बड़े, उसमें हमें फेलियर का डर है कुछ, तो डिप्रेशन समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों में भी इस तरह से कि आत्महत्या कर लिया? देखिए उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण एक तो वही है जो आपने पहले अपनी चर्चा में उठाया था, कम्युनिकेशन नहीं होना। जब आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, एक आप में सामंजस्य नहीं है, तो निश्चित रूप से आप में कहीं ना कहीं एक एकाकीपन आता है, आप अपने आप को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप कहीं ना कहीं एक अपनी इमोशनल एम्प्टीनेस फील करते हैं, अपने आप में एक अकेलापन महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से जब आप किसी समस्या से घिरते हैं और आपको कोई चारों तरफ सहारा नहीं दिखता है, तो निश्चित रूप से वो आपकी आत्महत्या का एक कारण बन सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने आत्महत्या की बात करी, तो मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण इस बारे में एक चर्चा करना चाहूँगा। जब व्यक्ति सुसाइड करता है तो सुसाइड के बारे में हमारी सोसाइटी में काफ़ी मिथ्स हैं। मिथ्स की जब हम बात करते हैं तो एक हमारे अंदर ये भ्रांति होती है कि भाई जिस व्यक्ति ने सुसाइड करनी है वो तो सुसाइड करेगा ही, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति सुसाइड का सोचता है या कंटेम्पलेट करता है,
वो एम्बीवेलेंट होता है, यानी उसको उस समय ये समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई उसकी भावनाओं को समझता है, उसको सहारा देता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक दूसरा मिथ आता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति से सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसकी सुसाइडल बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जब उससे बात करते हैं तो चूँकि उस व्यक्ति को ये नहीं पता उसको किससे बात करनी चाहिए, कैसे अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, तो जब आप उससे संवाद स्थापित करते हैं, आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, आप उसको ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पास इसके कई सॉल्यूशंस हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उसका फ़ायदा होता है। तो इन मिथ्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के व्यक्तियों से कम्युनिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कई लोग हैं जो नशा करते हैं या फिर ठीक है बातचीत किसी से नहीं कर रहे हैं, मोबाइल की हम बात कर लें या सोशल मीडिया के सोशल प्लेटफॉर्म की बात कर लें जहाँ पे अपनी बात कहना वो ज़्यादा, क्या ऐसे व्यक्ति होते हैं जब वो वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा जीने लगते हैं और उसका जब उनको अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिल पाते किसी और से, तो वो ऐसा कदम उठाते हैं कि उनको लगता है कि अब रास्ता ख़त्म है, ज़िंदगी यहीं ख़त्म है? ये भी एक तरह का मिथ ही है कि भाई सुसाइड जो होती है ये ऑल ऑफ ए सडन होती है, सुसाइड टेक्स प्लेस विदाउट वार्निंग, ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में जो व्यक्ति जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं पहले कुछ ऐसे वार्निंग साइंस आते हैं, ऐसे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के हम एक अंदाज़ा लगा सकता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे उसके कलीग्स हों, कोवर्कर्स हों, वो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है और ये कुछ ऐसा कदम उठा सकता है। जब हम इनकी बात करते हैं तो जैसे वो व्यक्ति कटाकटा रहेगा, वो व्यक्ति इस तरह की बातें करेगा कि जैसे उसके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातें करेगा कि भाई अगर मैं चला भी जाऊंगा तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है या मेरे होने नहीं होने का कोई मायने नहीं रह गया है। वो अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो विल हैं, वो दूसरों के नाम करने लग जाएगा। वो इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करेगा या आसपास ढूंढेगा जिससे कि वो इस तरह का कदम उठा सकता है। तो ये कुछ ऐसे वार्निंग साइन हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करते हैं कि हमें इस व्यक्ति की तुरंत मदद करनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फैमिली मेम्बर्स का है या जो फ्रेंड्स का है वो ये है, देखिए आप कई बार ऐसा होता है बाद में जब आप बात करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी स्टूडेंट ने या उसकी कलीग ने सुसाइड कर ली, तो उसके जो कलीग्स हैं वो ये बताते हैं कि हाँ ये पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से ये ऐसे रह रहा था। तो जब वो ऐसा रह रहा था, आपने इन चीज़ों को नोटिस किया, तो इट वॉज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन। तो वो एक्शन क्या होना चाहिए था? वो एक्शन ये होना चाहिए था, आपको उसके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए था, आपको उसके मन को टटोलना चाहिए था, आपको उसको ये एहसास कराना चाहिए था कि यू आर देयर टू हेल्प हिम। उससे एक आपको भावनात्मक जुड़ाव शो करना चाहिए था, उसको लगता कि मैं अकेला नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे साथ है। और ऐसे में जब आपको लग रहा है उसके साथ ये स्थिति, तो आपको जितना जल्दी हो सके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास उसको लेके जाना चाहिए था। टाइमली उसको अगर आप अप्रोच करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ऐसे व्यक्ति के आसपास से आपको कोई भी ऐसी हार्मफुल अगर ऑब्जेक्ट है जिससे कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ऐसी दवाइयाँ हैं, उनको आपको तुरंत वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अगर हमने टाइमली इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। डॉक्टर अखिलेश, बिल्कुल जो आपने बात कही कि पहले हम नोटिस नहीं करते हमारे आसपास क्या हो रहा है, ऐसा जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आत्महत्या कुछ, तब फिर लोग रिकॉल करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। या सही टाइमिंग वाली बात है कि सही वक्त पर अगर आप सपोर्ट करते हो, सिर्फ बातचीत ही करना है, थोड़ा सा उसका मन हल्का करना है, इसके बाद हम उसको उस रास्ते से निकाल सकते हैं जहाँ जाने की वो सोच रहा है। डॉक्टर अखिलेश, कुछ और भी बेहद अहम सवाल है क्योंकि डिप्रेशन खुद में तो बीमारी है लेकिन दूसरी बीमारियों को भी ये इफेक्ट करती है, इसे लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में, हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश जैन बने हुए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या वो साइंस होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं या जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में है। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि हम डिप्रेशन को लोग उतनी गंभीर बीमारी नहीं मानते कि डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है, और जब ऐसा कोई स्टेप हो जाता है इसके बाद हमें लगता है कि यार सही वक्त में बोलना चाहिए था, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या ये डिप्रेशन दूसरी बीमारियों को जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन इसे भी प्रभावित करता है? निश्चित रूप से, देखिए हम इसको कहते हैं कोमोर्बिड इलनेस। जैसे जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल इलनेस, जैसे चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कोई भी क्रॉनिक आपको एलिमेंट हो, जैसे कैंसर है, आपको आर्थराइटिस है, या हमारे अगर हम न्यूरोलॉजिकल केसेस की बातें करें तो पार्किंसंस है, ट्यूमर्स हैं, एपिलेप्सी है,
इन सब में डिप्रेशन होता है और पार्किंसंस में तो 50 से 75% लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट इसमें डिप्रेशन इसलिए भी है क्योंकि यदि इन व्यक्तियों में डिप्रेशन है तो जो इनका आउटकम है, ट्रीटमेंट आउटकम फॉर दी फिजिकल प्रॉब्लम, सपोज डायबिटिक है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ, अगर डायबिटिक है उसमें डिप्रेशन है, अगर हमने उसकी डायबिटीज़ के साथ डिप्रेशन को ट्रीटमेंट में कंसिडर नहीं किया तो इसके नेगेटिव आउटकम क्या होंगे। एक तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम उसके डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में आना चाहिए था वो उतना नहीं आएगा जो कि एक नॉन डिप्रेस्ड पेशेंट का आएगा। तो हमको अगर हम उसको डिप्रेशन को फोकस नहीं करेंगे तो हम उसकी डायबिटीज़ को इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते जितना नॉन डिप्रेस्ड पेशेंट में करते। दूसरा, एट द सेम टाइम क्योंकि व्यक्ति इनएक्टिव होता है डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट कंप्लायंस है, ट्रीटमेंट कंप्लायंस मतलब जो उसको ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है डॉक्टर द्वारा, उस ट्रीटमेंट कंप्लायंस में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो निश्चित रूप से अगर फिजिकल प्रॉब्लम के साथ डिप्रेशन एसोसिएटेड है तो हमें ना केवल उस फिजिकल प्रॉब्लम को फोकस करना चाहिए जो प्राइमरीली है, एट द सेम टाइम हमें जो उसका डिप्रेशन है उसको भी हमारा जो फोकस ऑफ ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके जो मेन प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम है उससे भी कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। बिल्कुल, और व्यक्ति को खुद में भी समझ में नहीं आता कि वो डिप्रेशन में, कुछ लोग को समझ में आता है तो वो बोलते हैं कि कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम कंसल्ट कर लिए, लेकिन कईयों को कुछ पता नहीं लगता है। हम फिजिकली वैसे देखते हैं कि हमें कहीं दर्द है, कहीं कुछ हो रहा है या इलनेस लग रही है, लेकिन हमारा दिमाग उस ओर नहीं जाता कि हम डिप्रेस भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसे में हम मदद कैसे कर सकते हैं अगर हमारे साथ में कोई है तो, कम्युनिकेशन के अलावा, या हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करें कि नहीं डिप्रेशन के ही रास्ते पर ये जा रहा है। देखिए, एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर एक हम टर्म यूज़ करते हैं जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ जो होते हैं वो आते हैं। इस तरह के व्यक्ति सबसे पहले अधिकतर फिजिशियंस के पास लैंड अप करते हैं और उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं जनरली वो उनकी सोमेटिक कंप्लेंट्स, जिसको हम कहते हैं, व्यक्ति कहेगा मेरे सर में दर्द है, मेरे बॉडी में पेन है, हाथ में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, चक्कर आते हैं, पेट में अजीब सा महसूस होता है मुझे, तो वो अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा इलेबरेट करता है। लेकिन जब डॉक्टर उसको देखता है तो उसको उस फिजिकल प्रॉब्लम का कोई प्लॉजिबल रीज़न समझ नहीं आता है। तो ऐसे में ज़रूरत ही होती है कि हम उस व्यक्ति के हाव भाव को भी देखें, उसके चेहरे को भी देखें, उसके चेहरे पर किस तरह के भाव हैं, और हम उससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछें। जैसे हम उससे ये पूछ सकते हैं कि भाई पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से आपका मन कैसा रहता है, आपको नींद कैसी आती है, आपको भूख कैसी लगती है, या आपकी कामों में, जिन कामों में रुचि है उसमें कुछ कमी आई है क्या। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति जो इस तरह की फिजिकल कंप्लेंट्स लेके आए हैं उनमें कहीं ना कहीं अंडरलाइंग डिप्रेशन होता है जो हम ओवरलुक कर जाते हैं इन फिजिकल सिम्टम्स के कारण, जिसको हम कहते हैं मास डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में इस तरह की सोमेटिक कंप्लेंट्स होना काफ़ी स्वाभाविक है, और आप देखेंगे प्राइमरी केयर में जब इस तरह के पेशेंट आते हैं वो जनरली, चूंकि उनको इस चीज़ का पता नहीं है, तो वो जनरली इसी तरह की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे का रीज़न डिप्रेशन ही है या फिर कोई और वजह भी है? क्योंकि कहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए ख्याल आता है, अगर उस सेकंड में डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा, क्या ये बात सही है या ये भी मिथ है? नहीं, देखिए ये भी एक तरह का मिथ है, डिप्रेशन में सुसाइड होती है, डिप्रेशन सुसाइड का एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मेंटल हेल्थ जिसको प्रॉब्लम है वो व्यक्ति सुसाइड करेगा या हर व्यक्ति जो सुसाइड कर रहा है उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं होता है। और क्या इसके लिए कुछ ऐसे कैंप भी होने चाहिए या कुछ आपको लगता है, क्योंकि हम अगर हम वर्किंग प्लेस की भी बात करें या स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, क्योंकि बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जब एग्ज़ाम होते हैं तब पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं सुसाइड कर लिया, फेल हो गया इस वजह से। ऐसी सिचुएशन में कैसे बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, कैसे पेरेंट्स को उनका सपोर्ट करना चाहिए? आप देखिएगा, अगर आप पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले अब अगर कंपेरिजन करेंगे तो लोग खुद चल के अपनी प्रॉब्लम बताने आने लगे हैं। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि लोगों में इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में, देखिए कोई इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, डिप्रेशन जैसे कोई और फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं इसी तरह की एक बीमारी है, इट्स एन इलनेस एंड इट इज़ ट्रीटेबल, अगर हम इसका टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं ट्रीटेबल है। तो जितना आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, इसके लक्षणों के बारे में बताएंगे, इसके कारणों के बारे में बताएंगे कि कैसे होता है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जो आने वाली जो दुर्घटना थी या उस व्यक्ति की लाइफ में जो एडवर्सिटीज़ आती उसको कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से बचा सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की आपने बात करी है तो देखिए, एग्ज़ाम पीरियड में निश्चित रूप से तनाव होना स्वाभाविक है,
लेकिन इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम को एक अपने जो उनका कैरिकुलम है, एकेडमिक कैरिकुलम, उसकी एक सतत प्रक्रिया है, वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली उसको ऐसा नहीं लें कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसा आपका एक सिस्टम चल रहा है पढ़ाई का, उसमें एग्ज़ाम होते रहेंगे, तो आप उसको एक नॉर्मल वे में डील करें। दूसरा, आप एग्ज़ाम के टाइम में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखें। आपको कभी भी लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ उसको ज़रूर डिस्कस करें। आप अपनी स्लीप, अपनी एपेटाइट, उसको बिल्कुल रेगुलर रखें। रेगुलर टाइम पर सोना, रेगुलर टाइम पर उठना, इन चीज़ों को आप नियमित रूप से बना के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार के टच में रहें, कम्युनिकेशन में रहें। और पेरेंट्स को भी ऐसे में ये चाहिए कि वो बच्चे पर अनावश्यक प्रेशर ना डालें, बच्चे का वो ध्यान रखें, लेकिन वो बच्चे को कभी कंपेयर नहीं करें किसी से। वो बच्चे का ये ध्यान रखें कि बच्चा पढ़ता है, अगर उनको लगता है बच्चा कुछ इस तरह के भाव प्रकट कर रहा है, तो वो बच्चे से डांटने की बजाय उससे प्यार से बात करें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम इसमें काफ़ी परिवर्तन देखें। बिल्कुल, और जिससे अभी आपने कहा कि जो सुसाइडल अटैम्प्ट कर चुके हैं उनमें संभावना ज़्यादा होती है कि दोबारा ऐसे स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन क्या उनसे अच्छे से बातचीत से, कम्युनिकेशन से उनको उन चीज़ों से निकाला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही तो आपका गोल्डन पीरियड है। आपको जब पता है कि इस व्यक्ति ने एक बार अटैम्प्ट किया है, तो निश्चित रूप से आपको उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाना चाहिए। वो उनसे बात करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग अगर कोई कॉज है जैसे डिप्रेशन है या कोई और बीमारी है या सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो वो तो ट्रीट होगा ही। उसके साथ सपोज़ कोई ऐसा उसको साइकोसोशल स्ट्रेसर है या कोई उसको ऐसा फैमिली स्ट्रेसर है जो वो शेयर नहीं कर पा रहा था या फैमिली ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर उस चीज़ को आप बैठ के निगोशिएट करते हैं। देखिए मैंने वही बताया ना, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग थॉट्स नहीं होते हैं, ये थॉट्स बार बार आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। अगर वो व्यक्ति सर्वाइव कर गया एक बार और आप टाइमली अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उस व्यक्ति को एक ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसको समझ रहे हैं, यू आर देयर टू हेल्प हिम एंड देयर आर मैनी सॉल्यूशंस टू हिज प्रॉब्लम्स, अगर वो इस चीज़ को समझता है कि यस इस समस्या के निदान हैं, तो निश्चित रूप से हम इसकी उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे अगर हमने पहचाना, हमें लगता है कि इसको डिप्रेशन में जा रहा है या कुछ है, हम बोलते हैं कि आपको मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, तो लोग उसे मजाक में भी ले लेते हैं, कह रहे दिमाग थोड़े ना ख़राब है, कोई पागल थोड़े ना हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कैसे? तो एक तो ये उन्हें कन्विंस करना भी, जो थोड़ा अवेयर है वो तो समझते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत मुश्किल होती है वहाँ तक भेजना। तो और दूसरी बात एक और, जैसे आपने मिथ की अभी बात की, उसमें ये भी कहा जाता है कि अगर हम एक बार गए और हमने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो हमें लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्या ऐसा होता है, या फिर एक टाइम पीरियड के बाद हम ठीक भी हो जाते हैं और हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक्चुअली में होता क्या है, जो मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ वो इसीलिए करते हैं हम लोग। अवेयरनेस से मतलब ये है कि आप व्यक्ति को ये बताएं कि डिप्रेशन अन्य बीमारियों की तरह है, डिप्रेशन का इलाज है। डिप्रेशन की आज के समय में, देखिए आज के टाइम में जितना न्यूरोसाइंस ने डेवलपमेंट किया है, इतनी तरह की मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, इतने तरह के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं, ना केवल दवाइयों के द्वारा, साइकोथेरेपीज़ के द्वारा, साइकोसोशल थेरेपीज़ के द्वारा बहुत तरह की मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको हम पेशेंट्स की स्थिति के हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को मेडिसिन शुरू हो गई तो इनमें एक ये रहता है हमेशा कन्विक्शन कि भाई इन दवाइयों को नशा होता है, इसका व्यक्ति आदी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनको लेते कैसे हैं। आप अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुपरविजन में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है, वो आपको एक निश्चित मात्रा में दवाई देंगे, पीरियडिकली आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके इम्प्रूवमेंट को देखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके फैमिली से बात करेंगे कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उस हिसाब से वो आपके डोज को एडजस्ट करेंगे, और एक निश्चित समय के बाद 6 से 8 महीने के बाद में वो आपके ट्रीटमेंट को धीरे धीरे टेपर करके बंद कर लेते हैं और दूसरी थेरेपीज भी इस्तेमाल लाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है इसमें कि आपने एक बार शुरू कर दिया तो ख़त्म नहीं होगा। ज़रूरत यह है कि आप किस तरीके से लेते हैं और किसके सुपरविज़न में लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनल सुपरविज़न में ट्रीटमेंट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी ये मिथ ही है कि आपको लाइफ टाइम एक बार मेडिसिन स्टार्ट हाँ, तो आपको ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें अगर रिकरेंस होती है, ये बीमारी की स्थिति पर निर्भर करता है। सपोज़ किसी व्यक्ति को बार बार डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन में क्या होता है कि इसमें रिकरेंस हो जाता है, कई बार उसके रिकरेंस के कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए उसको फैमिली हिस्ट्री रही है, उसको सब्सटेंस अब्यूज़ है, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम रही है ना, तो इस तरह की उनमें कई बार उसको रिकरेंस हो सकती है। तो अगर व्यक्ति को बार बार रिकरेंस होती है तो उसको हम दवाई लंबे समय देते हैं, लेकिन दवाइयां आज की तारीख में ऐसी उपलब्ध हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर डेफिनेटली उसकी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। एक मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, दूसरी दी जा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है
कि आप एक प्रोफेशनल सुपरविजन में ही ट्रीटमेंट कराएं। ये बहुत बिल्कुल बेहद अहम सवाल तो रहे, बहुत ही अहम मुद्दा जो कि लोग समझना भी चाह रहे थे, क्योंकि डिप्रेशन ऐसा समझ में आता नहीं है डॉक्टर अखिलेश, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पूरी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बड़ी बीमारी हो सकती है अगर आप वक्त रहते इस पर ध्यान न दें। और जरूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन हो, आपके घर के सदस्य हो, आसपास हो, लोग मित्र हो आपके, किसी में भी कुछ अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसे ध्यान दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, और ऐसे में इलाज भी हो सकता है। एक्सपर्ट से अगर आप मिलते हैं तो, डॉक्टर से मिलते हैं तो नज़रअंदाज मत कीजिए। चलिए इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।